नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सैनी और आप देख रहे हैं मिशन फिट एंड हेल्थ चैनल। तो दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य ये होता है कि आप सभी को फिट रखा जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरे बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट गेन के ऊपर और वीडियो लाइए जिन्हें देख देख कर हम अपना किसी तरीके से वेट गेन कर लें, मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके कि वेट गेन आखिर किन किन प्रोडक्ट्स को आप जब खाते हैं किन किन तरीक़ों से वेट गेन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जिनसे कि वज़न बढ़ता है। आपको फिट रखने के लिए, आपका वज़न बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बस हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी वीडियो वेट गेन की बना भी रखी हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। और एक वेट गेन की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी वीडियो वेट गेन की बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएँ। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और बात करना चाहते हैं आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, मैं खजूर की बात करने वाला हूँ। खजूर दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। और सर्दियों के मौसम में दोस्तों खजूर खाने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। उन फायदों के बारे में तो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि खजूर आखिर आपको किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है और दूध के साथ लेनी है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एक खजूर में दोस्तों, क्योंकि कुछ भी लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारा वेट गेन होता है, या और कौन कौन से इसमें न्यूट्रिशन होते हैं जिनसे कि हमें फिट रहने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और वेट गेन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सिर्फ एक खजूर की बात कर रहा हूँ, तो एक खजूर लगभग 8 से 10 ग्राम की होती है दोस्तों। तो आपको कम से कम 5 या 10 खजूर एक दिन में लेनी है, क्योंकि दोस्तों खजूर की तासीर गर्म होती है, इसलिए आप उस हिसाब से देखें जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले, मतलब उसकी ज़्यादा गर्मी आपके शरीर में ना हो, क्योंकि तासीर इसकी गर्म होती है। अब दोस्तों, इसमें जो मौजूद कार्ब्स होता है, दोस्तों खजूर में ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स पाया जाता है जो कि आपको वेट गेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। शुगर होती है, ये आपको वेट गेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, इसलिए मैं खजूर की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, अब आपको ये लेनी कितनी है, मैंने बता दिया आपको 5 से 10 खजूर आपको एक दिन में लेनी है। और अब मैं इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास दूध है, नहीं है तब भी आपको दूध लेना ही है। और दूध के साथ आपको गर्म दूध के साथ, ठंडा दूध ना लें, गर्म दूध के साथ आपको 5 खजूर आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, और 5 खजूर आप रात में सोने से पहले भी आज 5 खजूर दूध के साथ, गर्म दूध के साथ पिएं। और दोस्तों, पूरे दिन की डाइट सही रखें और मेरे कहने से सिर्फ एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। आप कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कर लें। और अगर आप एक्सरसाइज की वीडियो, घर पर ही कैसे एक्सरसाइज करें उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कि आपको खजूर किस टाइम खानी है, कैसे खानी है और कितनी खानी है, तीनों सवालों के जवाब मैंने आपके दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।